हेलो एवरीवन वेलकम बैक सद्दाम खान फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर और आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सी बी एस ई में एलेवेन्थ ट्वेल्थ में फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं जो भी बी एस सी इन स्पोर्ट्स या बी पी ई एस या बी पी एड या एम पी एड कर रहे हैं और जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो चलिए अपने आज मेंटल एबिलिटी टेस्ट को शुरू करते हैं तो सबसे पहला आज का प्रश्न है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर कि प्रश्न नंबर वन है जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है उसी तरह रेंगना किससे संबंधित है मतलब जो उड़ान है वो तोता से संबंधित है पैरेट से संबंधित है तोता से संबंधित है तो उसी तरह रेंगना किसे से संबंधित है ऑप्शन देखते हैं सांप से खरगोश से घड़ियाल से या मछली से तो आंसर जो यहाँ पर आपका राइट है वो है यहाँ पर सांप रेंगना किसे संबंधित है वो सांप से संबंधित है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम साठ बच्चों की कक्षा में राहुल का ऊपर से बाईसवा स्थान है तो राहुल का नीचे से कौन सा स्थान है ठीक है एक क्लास है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात कर रहा है यहाँ पर साठ है ठीक है और उसमें एक बच्चा राहुल है जिसका ऊपर से स्थान है बाईसवाँ तो नीचे से कौन सा स्थान होगा ठीक है तो इसमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर उनतालीस बयालीस पंद्रह या पैंतीस तो सीधे आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आंसर आपका ए यहाँ पर राइट है थर्टी नाइन उनतालीस अब ये कैसे राइट है इसको यहाँ पे बात कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से उल्टी गिनती लिखना शुरू करना है सबसे पहले आप लिखेंगे साठ फिर उनसठ फिर यहाँ पर लिखेंगे आप साठ मैं आपको बताता हूँ कैसे किस तरह से सवाल को करना है सबसे पहले आप लिखेंगे साठ फिर यहाँ पर उनसठ फिर, फिर, फिर यहाँ पर अट्ठावन अट्ठावन फिर सत्तावन फिर छप्पन पचपन फिर यहाँ पर चौवन तिरपन बावन इक्यावन पचास उनचास इस तरह से आप सारी गिनती लिखते जाएंगे जब आपका ट्वेंटी टू जहाँ पर आता है तो वहाँ से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से वन यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ऐसे ऐसे काटते जाएंगे ट्वेंटी तक जब आप संख्या काटेंगे तो आपको वहाँ पर जो राइट आंसर है वो थर्टी नाइन यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है इस तरह से इसे सॉल्व करना है चलिए आगे चलते हैं हम अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है इन सब में सबसे छोटी कौन है मतलब यहाँ पे कई लोगों के नाम दिए हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटी कौन है क्वेश्चन मैं एक बार आपको और पढ़ देता हूँ इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है इन सब में सबसे छोटी कौन है ऑप्शन देखते हैं हम लीलावती कलावती फूलवती या पुष्पवती तो जो आंसर आपका यहाँ पे राइट है वो है फूलवती फूलवती सबसे यहाँ पर छोटी है देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ठीक है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है यहाँ के बाद फूलवती का कहीं पर भी नाम नहीं है तो जो आंसर हमारा राइट है वो फूलवती है सबसे छोटी इसमें कौन है फूलवती है चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं प्रश्न नंबर फोर की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है तो राजस्थान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ऑप्शन देखते हैं हम जयपुर प्रयागराज रायपुर या आंध्र प्रदेश तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट right है हमारा जयपुर राजस्थान का संबंध किससे है यहाँ पर जयपुर से राजस्थान का संबंध यहाँ पर जयपुर से है चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं कि भैंस स्तनधारी सुतुरमुर्ग अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भैंस जो है वो स्तनधारी है तो सुतुरमुर्ग क्या है ठीक है ऑप्शन देखते हैं हम स्तनधारी पक्षी स्थन पाई या इनमें से कोई नहीं तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है शुतुरमुर्ग एक पक्षी है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है छठा प्रश्न है उसके अंदर पूछ रहा है छात्रों ने चार सौ मीटर की दौड़ में भाग लिया राम ने अमर एवं दो अन्य छात्रों के बाद दौड़ समाप्त की अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की फिरोज़ ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की इस दौड़ में पाँचवें स्थान पर कौन सा छात्र रहा ऑप्शन दे रखा है राम अमर फिरोज़ और विनोद मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूज़ करते हैं माइंड को मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कह रहा है कि छः छात्रों ने चार सौ मीटर की दौड़ में भाग लिया तो छः छात्र हैं वो चार सौ मीटर की दौड़ में प्रतिभाग कर रहे हैं राम ने अमर एवं दो अन्य छात्रों के बाद दौड़ समाप्त की तो राम ने अमर एवं दो और अन्य छात्रों के बाद दौड़ को समाप्त की अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की फिरोज़ ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की इन दोनों में पाँचवें स्थान पर कौन सा छात्र रहा तो जाहिर सी बात है इन सब में पाँचवें स्थान पर जो है वो विनोद है विनोद पाँचवें स्थान पर विनोद आपका राइट आंसर है चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर सात हमारा है राम मोहन से बड़ा है राम मोहन से बड़ा है और श्याम मोहन से छोटा है मोहन रोहन से बड़ा है रोहन राम से छोटा है इन सब में बड़ा कौन है ऑप्शन देखते हैं राम मोहन रोहन या श्याम तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर है राम ठीक है राम है क्योंकि राम मोहन से बड़ा है और श्याम मोहन से छोटा है मोहन रोहन से बड़ा है पर जो रोहन है वो राम से छोटा है तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा राम होगा अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर आठ है भारत हॉकी अमेरिका मतलब तो भारत किससे संबंधित है हॉकी से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है हॉकी तो अमेरिका का क्या है ठीक है हम ऑप्शन देखते हैं हमारा बेसबॉल क्रिकेट हॉकी या आइस हॉकी तो आंसर आपका ए यहाँ पर राइट है बेसबॉल बेसबॉल किससे संबंधित है हमारा बेसबॉल संबंधित है यहाँ पर आपका अमेरिका से बेसबॉल संबंधित है अमेरिका से चलिए आज का आखिरी प्रश्न हमारा है नौ प्रश्न ही हमने रखे थे और बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे प्रश्न है और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो कमेंट जरूर करिएगा अगर आप अगली वीडियो ऐसी और चाहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में तो मैं भी उस पर बनाऊँगा आप कमेंट करिए तो मैं उस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो और भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर बनाऊँगा और अपने फिजिकल एजुकेशन की जो सीरीज़ है उनको भी हम जल्द ही कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर नौ है चित्र देखना पुस्तक मतलब चित्र जो है वो देखने से संबंधित है तो पुस्तक किससे संबंधित है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो खरीदना पुस्तकालय पढ़ना या लिखना तो आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर सी राइट है जो पुस्तक है वो पढ़ने से संबंधित है किसी संबंधित से यहाँ पर पुस्तक हमारी पढ़ने से ठीक है पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से संबंधित है आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत